नागपुर स्थित महल परिसर के बुधवार बाजार परिसर का क्षेत्रफल तकरीबन 3 एकड़ बताया जा रहा है। इसी बाजार में छोटे बड़े दुकानदार अपनी रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन इस बुधवार बाजार का विकास करने के नाम पर दुकानदारों को मनपा प्रशासन ने उन्हें वहां से हटा दिया है। इतना ही नहीं तो इस परिसर के पुराने मंदिर को वहां से हटाने का काम चल रहा है। खास बात तो यह है कि इसी बुधवार बाजार परिसर में 300 साल से बसा पुराना एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी बेरहमी से काटा जा रहा है। इस पेड़ की जड़ें महल परिसर में फैली हुई है। विकास के नाम पर प्रशासन द्वारा किए जा रहे इस काम की लोगों में साफ नाराजगी देखी जा रही है। इसी मौके पर राजे मुधोजी भोसले इनसे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने बातचीत की है, आइए देखते हैं। ये बहुत पहले यहाँ के सब दुकानदारों को नोटिस दिया गया और कोई प्लानिंग के पहले इनको तोड़ा गया। जब प्लानिंग होने के बाद जब काम शुरू होता उस वक्त तोड़ा जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक एक साल पहले इनको तोड़ने के बाद में एक साल बाद प्लानिंग होती है। ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं दुर्व्यवस्था का कार्य हो रहा है और दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। और अभी भी जो सौंदर्यीकरण के नाम पे जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को उन्होंने जल्दी से जल्दी पूरा करके जो दुकानदार है जो महानगर पालिका के किराएदार थे या अन्य कोई यहाँ दुकानदार थे जो टूटे गए उनको कहीं ना कहीं दुकानें देना चाहिए। इस मार्केट में अच्छा एक गोल बाजार जैसा बना के जो गोल बाजार फेमस है इतिहास है उसको डेवलप करके दुकानदारों को जल्दी से जल्दी उनको धंधा करने के लिए वो सब ब्लॉक दिए जाए। ये काम शीघ्र होना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि जो कार्य जल्दी होना चाहिए वो बहुत प्रलंबित हो जाते हैं और इससे एक व्यापारी वर्ग जो है वो भूखे मरने की नौबत जो आ रही है, जिससे हमको रेवेन्यू मिलती है, जिससे हम पूरा कार्य करते हैं, ऐसे व्यापारी लोगों पे कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। तो उसके लिए जल्दी से जल्दी शासन कार्रवाई करे और जल्दी जल्दी उनको ब्लॉक देने की व्यवस्था करे। ये हनुमान जी का मंदिर भी 150 साल पुराना है और उसके साथ जो पीपल का पेड़ है वो भी उतना ही पुराना है। इसका एक अलग महत्व है और अभी 20-25 साल बाद यहाँ मंदिर है करके और मूर्तियाँ वहाँ रखी गई है। यहाँ एक शिव जी और आप देखोगे नंदी, ये भी एक पुरातन उस वक्त का है। जो शेषनाग और अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है ये सब पुरातन में गिनी जाती है। उसके बाद जो भी मूर्तियाँ लगी है वो 20-25 साल पहले लगी है। पर उस मंदिर का भी जतन होना, क्योंकि ऐतिहासिक हनुमान मंदिर है और इन मंदिरों का जतन होके भी विकास हो सकता है, मेरा वही कहना है। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे पुरातन मंदिर हो, या जो भी धार्मिक जो भी धरोहर है, तो पुरातन जो धार्मिक धरोहर है उसका जतन होकर विकास होना बहुत जरूरी है। दोनों का मेल मिलाप होकर अगर कार्य होगा तो मुझे लगता है जनता भी खुश रहेगी, विकास कार्य में भी कोई रोड़ा नहीं रहेगा। अन्यथा आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अन्यथा हमको ये पेड़ की रक्षा और मंदिर की रक्षा के लिए हमें यहाँ पे तीव्र आंदोलन भी करना पड़े और सरकार के पास हम महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को भी मिलेंगे, कलेक्टर साहब को भी मिलके इसका जो सलूशन अच्छा निकल सकता है उसको निकालने का हम प्रयास करेंगे। अन्यथा फिर हम क्या करें, हमारे सब व्यापारी बंधु और यहाँ के नागरिक मिलकर हम डिसाइड करेंगे।